हाँ दोबारा बोलो, जस्ट रिपीट रिगार्डिंग द क्लाइमेट बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ द सच एनवायरमेंट. यस दस से नहीं मिल रहा आपका बोरा लाओ से, मेरी लिमिटेशन यहीं पे था. मानवी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वेरी गुड. क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म, वेरी गुड. क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म एटमोस्फेरिक कंडीशंस. सुनना है बस, लिखना कहीं भी नहीं है. सॉरी ड्रेनेज हो चुका है, वो इस टर्म में आएगा. अब क्या करवाना है? चलो क्लाइमेट. लॉन्ग टर्म एटमोस्फेरिक कंडीशंस प्रिवेल्स इन एक्सटेंसिव एरिया एज मानवीत सेड. In extensive area, extensive larger area, it may be a continent or a country. Long term atmospheric conditions prevails in an extensive area is known as climate. Okay, no problem. Long term atmospheric conditions prevails in extensive area is known as climate, whereas iska opposite weather hai. Short term atmospheric conditions prevails in a particular place, not as a extensive area, particular place. Prevails in extensive area is known as climate, particular place is a weather. For example, during the PTM, JP Nagar mein rain hui thi, PTM ke time in between hui thi, 1 o'clock se 1:30 ke around. उसी टाइम पे आदर्श नगर में रेन नहीं हुई, माहिरा गेट नहीं हुई, मकसूदा में हुई. दीज आर द चेंजेस बिकॉज वेदर कंडीशंस विच आर एसोसिएटेड विद द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. एक प्लेस पे हो रही, दूसरी प्लेस में डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना. बट इसके कंपैरेटिवली पूरी कंट्री का क्लाइमेट एक जैसा है, इंडिया का क्लाइमेट एक जैसा है, या फिर कह सकते हैं साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज का क्लाइमेट एक जैसा है, या फिर एशिया का क्लाइमेट एक जैसा है, ये कहा जा सकता है. क्लाइमेट एसोसिएटेड विद एक्सटेंसिव एरिया, लार्ज एरिया के लिए, एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए. जैसे एग्जाम में आए, एग्जाम में अगर नेम लिख दिया प्लेस का, इट इज एसोसिएटेड विद अ क्लाइमेट और अ वेदर, यू हैव टू आइडेंटिफाई. ठीक है, समझ गए ना कैसा पूछा जाएगा. सो वेदर एक प्लेस से एसोसिएटेड है शॉर्ट टर्म के लिए. वेदर चेंजेस आवर टू आवर. मैंने कहा सुबह टेम्परेचर कम था, अभी बढ़ गया, ये वेदर में चेंजेस आ गए, ठीक है ना. हाँ जी, एवरेज उसको भी कह सकते हैं, ठीक है. चले आगे. Weather changes hour to hour, whereas the climate changes after 30 to 40 years. किसी एक particular country का, continent का climate 30-40 years के बाद change होना start हो जाता है. वो changes India में start हो गए हैं. आपने experience किए होंगे, क्या changes आ रहे हैं आजकल? Yes, Krishna, Sani, yes answer. Are you Krishna Sani? Yes, Krishna Sani. आपने देखा होगा summers का tenure बढ़ता जा रहा है. Summers बढ़ते जा रहे हैं, पहले winters start हो जाते थे October में. अक्टूबर में ब्लेजर स्टार्ट हो जाते हैं. अगर आप 10-15 साल पीछे चले जाओ, ठीक है ना. अब स्टैंड अप, आप खड़े रहो, ये मैं कहीं से लाके नहीं दे सकता आपको, ठीक है ना. हाँ जी, सिट डाउन. विंटर्स क्या श्रिंक होते जा रहे हैं. ब्लेजर्स कब स्टार्ट होते हैं? दिसंबर के मिड में. और कब खत्म हो जाते हैं? फरवरी के मिड तक. मीन्स 2-3 मंथ्स में विंटर्स फिनिश हो जाते हैं. टेन्योर चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट के अंदर, ठीक है ना. और जो आप कह रहे हैं बेमौसमी बारिश, इट हैज इन्फ्लुएंस बाय द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर, वो हम बाद में करेंगे इसी चैप्टर में. चले आगे, आप खड़े रहे क्योंकि ये चीज कहीं मिलती नहीं है, हम ला भी नहीं सकते आपके लिए. तो मानवीत बेदी, लिटिल बिट, यहां तक किसका कोई डाउट? चले आगे. सो द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेदर एंड क्लाइमेट आर सिमिलर. एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सिमिलर बिकॉज बोथ आर एसोसिएटेड विद एटमॉस्फेरिक कंडीशन. एक पर्टिकुलर प्लेस से एसोसिएटेड है, दूसरा एक एक्सटेंसिव एरिया कंट्री कॉन्टिनेंट से एसोसिएटेड है. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स, क्या चीजें हैं जो वेदर के अंदर स्टडी की जाती हैं? पहला टेम्परेचर. फर्स्ट टेम्परेचर. एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट इन वेदर आर फर्स्ट टेम्परेचर. कैन यू डिफाइन व्हाट इट मीन्स टेम्परेचर? आपने साइंस में पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में, आई थिंक बायो में, फिजिक्स में पढ़ा होगा. आंसर
Temperature means what? How can you define the temperature? Very good answer. Degree of hotness and coolness is the temperature. Simply, degree of hotness and coolness is the temperature. Clear? Doubt hai kisi ka? Second element of climate and weather is the winds. W-I-N-D-S. Winds. W-I-N-D-S. Winds. Guleen. Winds. What it means, winds? These are the simple terms. These will repeat in again and again. Guleen only. Because she is also crossing all these classes. GK year. आपने कहा कैसे जीके बेस क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको नॉलेज है इसकी. मूविंग एयर, वेरी गुड. सिंपली गुलीन, एयर मींस, एयर मींस मीनिंग, नॉट द ट्रांसलेशन. मिक्सचर ऑफ गैसेस इज नोन एज एयर. मूविंग एयर इज नोन एज विंड्स. व्हेन द विंड्स आर मूविंग फ्रॉम वन एरिया टुवर्ड्स अदर, इट हैज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. थर्ड एलिमेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. डेफिनेशन इन मीनिंग. Degree of hotness and coolness is known as temperature. Wind is moving air is known as a wind. Third element is the atmospheric pressure. Yes, kuch kehna chahte aap? Humidity. Yes, humidity is also an element, but atmospheric pressure first. What it means, atmospheric pressure? Ye bhi physics mein padha hoga aapne. Winds. Atmosphere. Nahi. Phir hai kya? Pressure exerted by the mass of air is known as atmospheric pressure. Mass of air means jahan wind, sorry, jahan air ki presence zyada hai wahan par high pressure hoga, jahan air ki presence kam hai wahan low pressure hoga. Theek hai na? Pressure temperature ke inversely kaam karta hai. Agar temperature high hai kisi area ke, your name, sit down. When temperature is a higher, temperature is higher, the pressure it will be as a low. Reason kya hai? Winds, when they are heated up, they becomes as a lighter. हल्की चीज राइज कर जाती है ऊपर, बलून. ठीक है ना, समझ गए. और इसी के कंपैरेटिवली वार्म कूलर एयर इज अ हैवियर, इट हैज लाइज नियरर द सरफेस ऑफ अर्थ. जहां एयर की प्रेजेंस ज्यादा होगी वहां हाई प्रेशर होगा, जहां कम होगी वहां लो प्रेशर होगा. ठीक है ना. नेक्स्ट थिंग, ह्यूमिडिटी. वेरी गुड अनंदिता. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, मास ऑफ एयर इज नोन एज अ ह्यूमिडिटी. वेरी गुड. Another synonym of a humidity. This girl, fourth girl, fourth girl. एक synonym बताओ जो use कर सकते हैं इसके place में. Confusion ना हो ना, आपको पता होना चाहिए. Very good. That girl is a very good. Sit down. Moisture. Humidity की जगह moisture भी use किया जा सकता है. Amount of water present in air is known. Air is known as humidity. Okay. Next one. Precipitation. Precipitation. कोई डाउट हुआ पूछ लेना बीच में. Precipitation. When water fall on surface of earth crust in a form of a solid, liquid or a gaseous form is known as a precipitation. Precipitation has their distinct forms. We will start from here. Japji. Forms of precipitation. First. Sit down. Next. Second. Forms of precipitation. Next. Next. Guleen. Next, snowfall. Very good. Second form of precipitation, snowfall. Third, Anandita, answer. उन्होंने बता दिया. Very good. Fog, fog, snow, rain, dew, hail. और कोई? Sleet. क्या था? Breeze, winds को क्या कहते हैं? No. Fog कह दिया वही. I'm repeating again. Rain, snow, hail, H-A-I-L, hail, sleet. Winters में आप देख लो सर्फेस पे एक वाइट सी लेयर बिछ जाती है, बर्फ जी जम जाती है, स्लीट, कोहरा जिसे कहा जाता है. ड्यू, I'm again repeating as rain, snow, hail, sleet, S-L-E-E-T, S-L-E-E-T, sleet. Sleet, hail, dew, water droplets which are fall on a surface of earth crust. Fog, F-O-G-G. Sorry, single G. Single G. Fog.
सिंकल जी फॉग, ठीक है ये लिखना नहीं है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, अशिता बेदी टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन ये मत लिखना. When water falls on the surface of earth in a form, in solid, liquid or gaseous state is known as precipitation. Snowfall solid state में गिरता है. Rain droplets गिरती हैं. Water fall on surface. Yes, Hashita. Precipitation की types. नहीं, convectional होती है, cyclonic होती है, तीसरी होती है. साइक्लोनिक कन्वेक्शनल थर्ड होती है ओरोग्राफिक. ये मत लिखना, ये छोड़ दो. जहां लिखना मैं खुद बता दूंगा. ठीक है. इन दिस चैप्टर सम ऑफ द कॉमन टर्म्स वी विल लर्न. मिस्ट वो भी एग्जाम, उसको फॉग ही कहा जाता है. ठीक है. फॉग जनरली हैज लाइज फ्रॉम अ सरफेस टुवर्ड्स द 7 meters. उसके ऊपर फॉग नहीं मिलेगी आपको. जो फॉग होती है इन विच एज अ गैशियस स्टेट ऑफ अ वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट. उसमें से गुरुपाल जब साइकिल चला के निकलता है उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट सारा फॉल गीला हो जाता है. तो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. ठीक है. हाँ जी बताओ. ड्यू व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 0 to 1 meters ऑफ द हाइट. ग्रास के ऊपर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसको ड्यू ओस कहा जाता है. ठीक है ना. चले आगे. तो सम ऑफ द कॉमन टर्म्स यू विल लर्न इन दिस चैप्टर एज अ फर्स्ट कंटूर्स CONTOURS. हाँ ये लिख सकते हैं कंटूअर्स CON. हाँ जी एलिमेंट्स इतने ही थे. कंटूअर्स एलिमेंट्स फिनिश्ड. क्लियर. कंटूअर्स नाउ these are excluded from the elements and the forms of precipitation. Clear? Types of precipitation. Usse excluded hain. Virakt hain. Okay. Contours. Those imaginary lines drawn on map to show same altitudinal areas. Aur Gurupal ji, map ke upar imaginary lines drawn on map. Anybody having a textbook? May I? Thank you. Drawn on map to show same altitudinal areas, height. Altitudinal. A-L. हाँ? हाँ जी? क्या कहा आपने? Same altitudinal areas. एलिमेंट्स में नहीं आएगा. इट विल बी एज इंक्लूड्स अंडर द फैक्टर्स व्हिच आर कंट्रोलिंग द क्लाइमेट ऑल्टीट्यूड. ठीक है ना. क्लाइमेट को कंट्रोल कौन कौन सी कंडीशंस करती है. ये एलिमेंट्स ये एटमॉस्फेयर के अंदर हैं. ये हर एरिया में होंगे जहां वेदर और क्लाइमेट दे आर इन्फ्लुएंसिंग द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस और रीजन. उन एरियाज में एक्टिव होती है. जैसे उन्होंने पहले कहा चेंज इन अ टेम्परेचर. किसी एरिया में टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसका इन्फ्लुएंस रेन के ऊपर पड़ेगा. In equatorial areas, high temperature has records. Due to the high temperature records, there is a rate of evaporation is higher. Equator पे temperature भी higher रहता है, उस कारण rain भी ज्यादा होती है. Precipitation, वो भी element ही है. ठीक है ना. उसका कारण क्या है? Atmospheric pressure. वहां पर low atmospheric pressure develop होता है. चले आगे. Very good. चलो आगे. Second are the ice. Sorry. Which are showing the same altitudinal areas. Full stop. अगर गुरुपाल जी मैप के ऊपर हिमालयन रेंजेस को दिखाना चाहते हैं उसके लिए लाइन्स नहीं ड्रॉ की जाएंगी. उसके लिए कंटूर लाइन्स बनाई जाती हैं. ठीक है ना. मैं दिखाता हूं एग्जाम्पल. क्या मैंने कहा एलिमेंट्स का एंड हो गया, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन का एंड हो गया, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन का एंड हो गया. उसके बाद कुछ कॉमन टर्म्स इस चैप्टर में आएंगी वो बता रहा हूं आपको. हाँ ये बताइए. अभी पहले यहां लिख दो फर्स्ट टर्म एफ आई. आइसो हाइट्स ISOHYTES. ये लाइंस बनाई हुई हैं. एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगी इसमें.
These are the isohides. Those imaginary lines drawn on map to show areas receiving equal rainfall. Average time hai monsoons ka India mein aane ka 1st June towards the 15th June. In between kabhi bhi uncertain time pe monsoons aa jaate hain. Theek hai na? Exact date nahi hai hamare paas. First 15 days as a time when the monsoons are reaching on a coast of Kerala. After crossing the 45 to 50 days, they are reaching in the parts of northern India. These lines are showing as a equal rainfall. Which of the areas are receiving as a rainfall in a which day? For example, is mapped accordingly. 1st June tak rain, Tamil Nadu ke coastal aur Kerala ke coastal parts mein rain ho jati hai. Uske baad 5th June tak kahan tak jati hai? Aage badhti jati hai. So these are imaginary lines. Theek hai na? Next, isotherms. To show equal rainfall, precipitation. Thank you. Precipitation. Next, isotherms. ISOTHERMS. Those imaginary lines drawn on map to show areas receiving same temperature. Same temperature, isotherms. Last, isobars. Imaginary lines drawn on map to show areas having same atmospheric pressure. Same atmospheric pressure. One more. Coriolis force. Coriolis. Coriolis force. The force exert. Sorry. Coriolis force. हाँ जी, उसमें क्लाइमेट नहीं पढ़ाया ना आपको. CO, yes, Harshit Bedi, here. Harshit, force also. Force exerted due to rotation of the earth. Anandita's neighbor, her name? Arpita. Yes, Arpita. Earth rotates in which direction? This is part of your knowledge. Wait. Yes. Harshit. Manavir. Yes. Sorry. East to west. Yes, Manavit Bedi. Anti-clockwise. Very good. Anti-clockwise. आप कह रहे हैं east to west. East to west कह रहे हैं. आप ऐसे कह रहे हैं. आप ऐसे रोटेट करती है anti-clockwise. 9 to 3 जाएगा. Anti-clock. Clear? West to east. Sit down. And earth completes is, sorry. कौन सा third वाला? Isobars, isotherms, therms, terms, temperature, equal temperature, areas having the equal temperature. Sorry, core is my bhaiyo. Parmar done. किसके पहले contours, second isohides, HYTES, third isotherms, ISOTHERMS, fourth isobars, ISOBARS. Done. Now Coriolis force, the force exerted by the rotation of earth, which leads diversion of winds
डाइवर्जन ऑफ विंड्स लेफ्ट हैंड साइड इन सदर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट हैंड साइड इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड राइट हैंड साइड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. If the Gurupal has standing in a northern hemisphere, looking towards the equator, their right side. Gurupal, assume here, your right side. This diversion has exert due to as a Coriolis force. Agar Earth ki rotation na hoti, to winds ki movement vertical hoti Earth ke upar. Theek hai? Us situation mein monsoons kabhi nahi aate. Clear? So these are the common terms which we will learn in this chapter. Clear? So let's start our chapter, climate. So bas thoda sa basic outlook tha aapke liye. Yes. Chalo start karte hain climate. So the climate of Earth, it has influenced by the certain factors. First is the latitudes. Factors affecting climate of Earth. जो क्लाइमेट का है वही वेदर का है. वेदर इज अ नैरोअर कंसेप्ट, क्लाइमेट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट. ठीक है, एक्सटेंसिव एरिया, इसलिए कहा था आपको, आपने सुना नहीं था यार. चलें, हाँ चलो इसी को यूज कर लेते हैं. लैटिट्यूड, सॉरी क्या कहा आपने गुरुपाल सिंह, क्या कहा आपने? आप खड़े रहिए, ये मिलता नहीं ना. चलो लैटिट्यूड्स. चलो ऑल्टीट्यूड बोल देते हैं. ऑल्टीट्यूड बोलना शुरू करो. लैटिट्यूड इक्वेटर इज अ, नाउ पे अटेंशन हियर, नो नीड टू राइट. ठीक है ना, पॉइंट लिखो, जरूरत है तो कुछ मेन लिख लेना, ज्यादा जरूरत नहीं है. हाँ जी, वो आप लिख लेंगे. सो लैटिट्यूड्स, सो इक्वेटर इज अ लार्ज, किसने इंटरप्ट किसने किया, स्टैंड अप बोलो, क्या बोलना? हाँ जी बोलो बोलो, क्या ये क्या है? अर्थ सर्कल है, अर्थ इज अ कंप्लीट स्फीयर. देन व्हाट्स द शेप ऑफ द अर्थ? वेट, जॉइंट मींस व्हाट? इट्स नॉट ओवल, ओवल एग शेप नहीं है. एग क्या होता है? एक साइड से कर्व ज्यादा होती है, दूसरी साइड कम होती है. वो भी नहीं यार. वेट, फ्लैटन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम. एंड व्हाट अबाउट द सेंटर? आपने जियोइड वर्ड यूज किया ना, जियोइड. यू आर करेक्ट, जियोइड इज अ करेक्ट आंसर. कंप्लीट इट. स्फीयर फ्रॉम साइड्स, राउंड, टर्न वाइज. उन्होंने कहा राउंड है, कंप्लीट स्फीयर तो है नहीं. राउंड अर्थ राउंड नहीं है. देन यू स्टैंड अप. ये कह रहे ऑरेंज शेप्ड में है. ऑरेंज, ऑरेंज को जब देखा जाता है ऊपर से वो फ्लैट होता है, नीचे से उसका कर्व पड़ा होता है. बट चीज उन्होंने कहा अर्थ इज अ फ्लैटन फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ. दिस थिंग इज अ करेक्ट. नाउ योर आंसर. Very good. This is a complete answer. Geoid is a earth-shaped structure in which has a flattened from the poles and a bulges over equator. हम sphere नहीं कहेंगे उसको. ठीक है? Interrupt मत करना. आपको chance दूंगा बाद में बोलने के लिए. ठीक है? So latitudes. Equator is a largest latitude which has divides the earth into the two equal halves. Due to as a equator, this division, the northern and the southern hemisphere having as a different kinds of the climatic conditions. It is due to as an inclination of a sun rays. Sun is a static feature, static in our solar system. This concept was proved by the Galileo Galilei when it invented a Galileo. What it he invented? Telescope. Before of this in a society, it was prominent that the Earth is the center of the solar system. All celestial heavenly bodies are circulating. But the Galileo condemned it.
He proved that sun is the center of solar system. All the celestial heavenly bodies are rotating and revolving around the sun. Rotating around its axis. ठीक है? Earth rotating around its axis from west to east, as Manavit said, west to east, and same as Earth also revolving around the sun also. Around the sun. So sun is a static. This is a static. Sun. This is a sun. So sun rays. ठीक है. Sun rays are fall vertical over equator. Fall vertical over equator twice in a year. That state is known as. Now Gurupal, I need your help. So that state of the Earth when the sun rays are fall vertical over the equator is known as. Very good. Yes. Equinox. That state is known as equinox. This has happened twice in a year. 21st of March and 23rd of September. Sun rays are fall vertical over the equator. Solstice is a state when the sun rays are fall vertical over the tropic of Cancer and Capricorn. SOLSTICE. Solstice. Summer solstice is a state. Sun rays fall vertical over tropic of Cancer on 21st of June. सबसे longest day होता है tropic of Cancer में, northern hemisphere में. ठीक है, उसी time पे southern hemisphere में shortest day experience होता है. Vertical on equator known as equinox, 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 and solstice. Summer solstice is state when sun rays fall vertical over tropic of Cancer. 21st of June, 22nd of December, sun rays fall vertical over a tropic of Capricorn. EQUINOX, 21st of March, 23rd September. अब आप कुछ कह रही थी. Solstice is state when sun rays fall vertical over tropical areas. Summer solstice जब कैंसर पे होती sun rays. Summer solstice 21st of June. Summer solstice 21st June. Sun rays fall vertical over a tropic of Cancer. Tropic of Capricorn पे winter solstice होता है. Winter solstice. 21st June. Winter 22nd December. 22nd December, winter solstice. Now pay attention. When sun rays are fall vertical over a tropical area, this is as a tropical region. 23.5 degrees north to 23.5 degrees south. Tropical area. This is also known as a torrid zone. Torrid zone. Earth's highest temperature has records in this region. This region due to as a latitudes. In these latitudes, when we move towards the beyond from such latitudes towards the high latitudes, 0 to the 90 degree north or 0 to 20 degree south. Sorry, 90 degree south. Under such circumstances, the sun rays are the slanting lights in a polar regions. Slanting sun rays. When the slanting sun rays are fall on Earth, they are experiencing the low temperature. That's why this region has experienced equatorial climatic conditions. First factor which has influencing the climate of Earth is the latitudes. Sun rays which are falling towards the high latitudes as a slanting, which are receiving as a less heat in a polar regions compared to with the equatorial areas. Clear? Second is altitude, height. Height. Longitudes are the imaginary lines north to south. Uska climate pe impact nahi padta. Haan ji. Time pe padta hai uska impact. Theek hai na? है इमेजिनरी है पर उसका इंपैक्ट क्लाइमेट पे पड़ता है. इस एरिया में आपको हाई टेम्परेचर मिलेगा. इसके कंपैरेटिवली पोल्स में चले जाओ, मिड लैटिट्यूड्स में चले जाओ, 66.5 degrees टेम्परेट जोन में चले जाओ, वहां पर आपको मॉडरेट कंडीशंस मिलेंगे. जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते जाओगे टेम्परेचर वेरिएशन आपको ज्यादा मिलेगी. ठीक है ना. नेक्स्ट ऑल्टीट्यूड हाइट. व्हेन वी मूव्स द अपवर्ड डायरेक्शन टेम्परेचर डिक्रीजेस. When we move upward direction, temperature decreases. That process is known as a normal lapse rate. Normal lapse rate.
When the Gurupal, it has experiencing in the month of June, 45 degrees Celsius temperature in the plains. In the same time, Harshit Bedi moving towards the Kulu, Manali, Darjeeling for the pleasant climatic conditions. It's due to the normal lapse rate. Normal lapse, L-A-P-S-E. McLeod Ganji. L-A-P-S-E, lapse rate. When we move the upward direction, temperature decreases. At the rate of, after every 165 meters, 1 degree Celsius temperature decreases. 1 degree Celsius temperature decreases. Or we can say, after every one, Hanji. Yes. Answer, Ashir Bedi. After every 1,000 meters, how much temperature it will be as a decrease? Very good answer. 6.25 degrees Celsius temperature. So this decrease in temperature is known as a normal lapse rate. Isi karan Ashir Bedi, July mein, June mein, mountains mein chale jaate hain, aur uske baad dobara plains mein aa jaate hain. Migration, temporary migration. इसी का इन्वर्सली ऑपोजिट काम करता है जब अर्थ के इंटीरियर में जाओगे आप अर्थ का इंटीरियर कोर गर्म है आफ्टर एवरी 45 मीटर्स 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर इंक्रीजेस मेरा क्वेश्चन है दिस प्रोसेस इट हैज कंटिन्यू टिल द हाइट ऑफ ये प्रोसेस कहां तक चलता रहेगा डिक्रीज इन टेंपरेचर जबकि नॉर्मल लैप्स रेट हाइट 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 End of troposphere. कहां पर है एंड ऑफ ट्रोपोस्फियर वेरी गुड स्टॉप 13 किलोमीटर टिल 13 किलोमीटर दिस प्रोसेस इट विल बी एज अ कंटिन्यूसली अकर उसके बाद टेम्परेचर जितना हो गया वहीं रुक जाएगा उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा कारण ओजोन लेयर प्रेजेंट इन अ स्ट्रेटोस्फियर ओजोन एब्जॉर्ब्स द यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज जहां यूवी रेज है वहां टेम्परेचर बढ़ेगा जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ठीक है ना तो ये ट्रोपोस्फियर तक रहता है So altitude influences the climate of area. Areas, countries which are consisting the high relief features, high altitudinal areas. In such areas, the climatic conditions, it will be as a vary from other plained areas. For example, India mein mountains hain, wahan par climatic conditions Sri Lanka comparatively differ karengi, vary karengi. Theek hai na? India mein aapko variations milengi, Sri Lanka mein aapko equal type of climatic conditions milengi. India mein tropical as well as subtropical conditions milti hain. Kal karenge.